देखो श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक दे नवें चुने गए प्रधान जिले के सरदार गुरबचन सिंह जी बची उन्होंने सारे सर्कलों की मीटिंग सदियां ने ते अज उस तहत लहरा हल्के दे लहरा मूणक ते खनौरी सर्कलों दी मीटिंग कर रहे हैं। तो मकसद तो यही है भी वर्करां नूं जो सियासी गतिविधियां लई होर तेज करन लई प्रेरणा जथेबंदी तैयार करनी ते जो 4 तरीक नूं जिले दी असीं मीटिंग रखी है उस संबंधी भी जिहड़ा सारिआं नूं बेनती करनी भी उस मीटिंग दे विच सारे ने शामिल होना। सो यह सारा कुछ तकरीबन असी आरंभ कर रहे हैं ते इस तो बाद सारे सर्कलों दी जथेबंदियां तैयार की जाएगियां ते पार्टी दी जिहड़ी गतिविधियां हैं उन्होंने तेज़ किया जाऊगा। देखो समझौता समय नाल फैसला होएगा पर असी चाहते हैं भी जिहड़ियां कांग्रेस भाजपा ते बादल दल इन्हां तों पंजाब दे लोकां नूं नजात दवाई जावे। सो उहदे वास्ते असीं जिहड़ियां होर धिरां ने सारियां उहनां नाल गल करांगे ते इक मजबूत जिहड़ा है फ्रंट बनाउण लई असीं यतनशील हाँ ते क्योंकि जे इहनां तों असीं खेड़ा छड़ावांगे तां ही पंजाब दा कोई भला हो सकदा पंजाब दा कोई चंगा भविख बन सकदा। तुसीं आप किस हलके नूं दुबारा उतारना? देखो मैं तां हुण लहरे दा क्लीयर ही है कोई इक पैसे दा भी मतलब नहीं है चाहे कांग्रसी या विरोधी जो मर्जी कही जाण जिहड़ा है मेरा तां अज ही तुसीं ऐलान कर दिओ मैं तां लहरे तों चोण लड़ रहा। सो इस गल दी फिक्र इस लई सारियां जो जिवें ना प्रचार या हो रहे सारे कांग्रसी क्योंकि आप तो उन्होंने कुछ किया नहीं हुण उह लोकां दे विच भंबल भूसा पाउण दी कोशिश कर रहे ने ते यही जिहड़ा है बादल दल वालिआं दा हाल है उन्हां नूं कोई उम्मीदवार नहीं लभ रिहा वह भी आही कुछ कर रहे ने। सो मेरा साडा तां बड़ा क्लीयर है ते असीं उहदे लई तैयारियां कर रहे तुहाडे खिलाफ कहिंदे सी सुखबीर बादल जां चंदूमाज नूं उतारे जा रहे जी कोई देखो कोई उतने उहदा उहनां दी पार्टी दा फैसला है जिहड़ा मर्जी उतर सकदा है सानूं उहदे नाल कोई लेणा देणा नहीं असीं तां आपदे लोकां दे विच आपदे जिहड़ा है पार्टी दी नीतियां प्रोग्राम सूबे दे भविख लई जो साडे प्रोग्राम ने उह सारियां लै के लोकां जावांगे ते फैसला लोकां ने करना है ते मैनूं इस गल दा पूरा भरोसा है कि लहरे हल्के दे लोक जिस तरह सानूं हुण तक प्यार दित्ता है इस तरह सानूं जिहड़ा आपदा सहयोग ते प्यार हल्के दे लोक दिंदे रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी की मुद्दे लैके जाऊगी लोकां दे विच? देखो साडे कोल पहली गल तां है साफ सुथरा प्रशासन ईमानदार सरकार जिहड़ी गरीब दी गल सुने चाहे कोई गरीब किसान है कोई गरीब मजदूर है या कोई गरीब शहरी है सारियां दियां जो समस्यावां ने उन्हां नूं हल करन लई असीं यतन करांगे ते इक ईमानदार सरकार ते इक ईमानदार प्रशासन देण दी साडी कोशिश होएगी। ते मैं इह मन्नदा वी जे असीं एक ईमानदार सरकार दे दिए जिहदे विच घट्टो घट मैं समझदा सरकार जिहड़ी है वह करप्शन फ्री होवे तां पंजाब दी नुहार बदली जा सकदी है पंजाब नूं एक नवीं दिशा दित्ती जा सकदी है ते पंजाब दीआं जिहड़ीआं मेजोरिटी समस्यावां ने उहनां दा हल कीता जा सकदा। बाकी जिहड़ीआं असीं ऐलान वख-वख खेत्रां लई वख-वख ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਜਟ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ 51,000 ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ 1500 ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਦੋਨੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
उन्हें पहला भी मनिंदर तो झूठ बुलाया, हूँ भी जो कुछ कहूगा झूठ कहूगा। तो एक प्रशांत किशोर के आने तो होर राह पदरा हो गया। मंत्री साहब किसानी अंदोलन किमें देखते हो, 6 महीने हो गए किसानों इस मसले पर किमें देखते दे हो? देखो मैं समझा किसानी अंदोलन ने इतिहास सिरजिया, देश की दुनिया भी कोई ऐसा अंदोलन शांतमई ढंग के नाल इन्ना लंबा जिहड़ा है वो नहीं चलिया। तो मेरा मनना है भी सरकार जिहड़ा चाहे कुछ समा लग जाए पर सरकार इन मननी पेगी, सर किसानां दीआं मंगां मननियां पैणगियां। अते ये जिहड़ा अंदोलन है यह इतिहास तां इहने सिरजिआ उत्ते किसानां लई ते हर वर्ग लई एक जिहड़ा है मील पत्थर साबित होएगा। सर नदेड़ साहब दी हिंसक घटना किवें देखदे? देखो ये चिंता की गल है कि देश दे विच जिहड़ियां सैकुलर ताकतां नूं कमज़ोर करन दी कोशिश की जा रही है, ते वखवाद भाईचारक जिहड़ा है आपस तनाव ये वध रहा है, ये किते ना किते बीजेपी सरकार दीयां नीतियां बीजेपी सरकार दे वल्लों जिस रूप दे विच आप दीयां नीतियां घड़ियां जा रही ने वो सारा कुछ ये वास्ते जिम्मेवार है। सो बीजेपी नूं समझना चाहिए कि लोगों पाड़न की बजाय देश के लोगों कट्ठे कर ना वंडन, चाहे किसान है चाहे मजदूर है चाहे व्यापारी है कोई भी वर्ग है देश का, वह सारिया का आपका योगदान है देश की तरक्की दे विच। ते सारिया के भले लिए सरकार नूं सोचना चाहिए, तो धर्म तो उपर उठ के लोगों के बारे सोचना चाहिए, कला जिहड़ा एक धर्म की गल नहीं करनी चाहिए। जिहड़ी जद सरकार हुंदी है सरकार तो एक बहुत वड्डी नियामत हुंदी है, तो जे उन्हां नूं मौका मिले उन्हां नूं सेवा करनी चाहिए है। पर यह सारा कुछ देख के तो मैनूं यह लग रहा भी देश ओह दे हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे। मलोड़ की घटना एक भी मैं उन्हूं चंगी घटना नहीं समझता, ठीक है किसानां दे विच रोस है ते पर इहदे नाल जिहड़ा शांतमई संघर्ष चल रहा सी वो जिहड़ियां बीजेपी RSS ते इन्हां दीआं जिहड़ियां सहयोगी ने उन्हां नूं मौका मिल गया। हुण देश दे विच कुछ जिहड़ा है इस संघर्ष के खिलाफ़ बोलण दा, ते इहनूं शांतमई ही रहना चाहीदा। ते पर मैं समझदा इहनूं जारे दुआरे दुआरे इस घटना की बड़ी तुल भी नहीं देनी चाहिए। हुण जिहड़ा हो गया वो हो गया, बाकी उस तो बाद भी शांतमई है सारा कुछ, कुछ माहौल नहीं खराब है। सो प्रेस नूं भी मैं बेनती करदा भी हुण इहनूं घटना नूं बाली सरदार सुखदेव सिंह ढींसा जो खालसा पंथ पंजाब ते देश की महान शख्सियत ने, श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक दे प्रधान ने, जो उन्होंने मुद्दे लए सी जिहड़े मुद्दियां नूं लैके सिद्धांतां नूं लैके श्रोमणी अकाली दल होंद विच आया सी, वो बादल परिवार ने आपदे निजी मुफादां लई आपदी निजी होमें लई माया की भुख लई सिद्धांतां नूं छिक्के ते टंग के जो श्रोमणी अकाली दल का नुकसान किया, उस लई जो ढींसा साहब ने स्टैंड लिया मैं महसूस करदा पंजाब दे विच बहुत वड्डी पद्धर ते श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक नूं भावें किसान मोर्चा ते करोना दौरान साडियां जथेबंदियां सरगर्मियां ने जिहड़ियां वो ज़्यादा किसान मोर्चे की हमायत लई समर्पित ने, परंतु फिर भी वड्डियां धिर साबका MLA साबका MP साबका मंत्री सिंह साहब रणजीत सिंह जी के बहुत वड्डे वड्डे पंथक दर्दी गुरु नानक नाम लेवा श्रोमणी अकाली दल नूं घरां विच बैठे प्यार करन वाले जिहड़े लोग सी जिन्हां दे हिरदे बुलंदरे गए सी जो बादल परिवार ने पिछे जे बहुत ही पंथ विरोधी कारवाइयां कीतियां, इसलिए सानू मैं महसूस करदा बहुत वड्डा हंगारा मिल रहा पंजाब दे लोकां वल्लों। मैं अज सर्कल प्रधानां दी चोण लई 5वें हल्के विच आया ते 4 हल्कियां विचों बहुत वड्डा हंगारा ते जिम्मेवार आगू, और मैं ये देख के मैनूं खुशी होई कि जिहड़े 20-30 सालां तों पिंडां दे वर्कर पुराने टकसाली अकाली जिहड़े अगवाई करदे ने लोकां दी, मैं सारे हल्कियां विच जा के आया, वह सरदार सुखदेव सिंह ढींसा ते परमिंदर सिंह ढींसा साहब दी जो लम्मा समा गुरु सतगुरां ने कृपा की अकाल पुरख ने साफ सुथरा जीवन है जो
उस दे उत्ते चल के जो भी श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक दा नारा है, बादल भजाओ अकाली दल बचाओ, कांग्रेस भजाओ पंजाब बचाओ, इस नारे दे उत्ते असी 2022 दीआं चोणां विच बहुत वड्डी तब्दीली दे तौर ते श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक नूं लोक देख रहे ने। पार्टी जिहड़ी नवीं पार्टी बनी है अकाली दल तों वख हो के, बहुत वड्डी जिम्मेवारी तुहानूं जिले दी दित्ती गई है, तुहानूं लगदा भी कोई राह सौखा है तुहाडे लई पूरे जिहड़ा तुहाडी पार्टी दे कट नूं भी इकमुट लै करके चलना? नहीं, मैं महसूस करदा इह लोक संगत फैसला करदी हुंदी है। जदों भी श्रोमणी अकाली दल विच वड्डे वड्डे आगूआं ने सिधांतक तौर ते श्रोमणी अकाली दल दे खिलाफ फैसले कीते, तुसीं देख लो मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह, वड्डे वड्डे आगू, तां गुरु नानक देव महाराज संगतां ने उन्हां लीडरां नूं पिछे करिया। इसलिए मैं समझदा अज तां बादल परिवार दा कोई ना ही नहीं लैना चाहुंदा, अज तां उह आपदी होंद दी लड़ाई लड़ रहे ने, कोई चापलूस लोकां नूं नाल लै के, लालची लोकां नूं नाल लै के, उहनां दी तां आपदी होंद नूं खतरा। अकाली दल कोई 2022 दीआं चोणां दी लड़ाई थोड़ा लड़ रहा, सारे पंजाब दे लोकां नूं पता कि बादल परिवार तों लोक पंजाब दे गुरु नानक नाम लेवा खड़ा चढ़ाउणा चाहुंदे ने। सो इहदा संगत रूपी है, संगत जिहदे सिर ते हथ रखूगी। मैं महसूस करदा कि इह बहुत वड्डी तब्दीली आ जिहड़ी सरदार सुखदेव सिंह ढींसा साहब दी अगवाई हेठां असीं सारे ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਾਂਝਾ ਮਾਜ ਬਣਾ ਕੇ।